एवरीवन, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। अनलॉक 3 में भी बंद रह सकते हैं स्कूल और मेट्रो। हिंदुस्तान समाचार, नई दिल्ली। कोरोना लॉकडाउन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे देश में मार्च में लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन के 4 फेज के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। 1 अगस्त से देश अनलॉक 3 में प्रवेश कर सकता है। इसको लेकर सरकार के स्तर पर बात जारी है। इस बात के कयाफ लगाए जा रहे थे कि अनलॉक 3 में स्कूलों को खोलने की इजाज़त मिल सकती है, लेकिन केंद्र की सरकार ने अंतिम क्षण में अपना इरादा बदल लिया है। इस विषय पर हुई बातचीत में शामिल एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। नाम नहीं उजागर होने की शर्त पर अधिकारी ने कहा कि स्कूलों के अलावा मेट्रो सेवा को भी अभी शुरू करने की इजाज़त नहीं मिल सकती है। साथ ही जिम और स्विमिंग पूल के मालिकों को भी अभी इंतजार करना पड़ सकता है। 68 दिन तक चलने वाले लॉकडाउन 31 मई को ख़त्म हुआ था। इसके बाद देश में जून और जुलाई में अनलॉक 1st और अनलॉक 2nd की अधिसूचना जारी की गई थी। लॉकडाउन में ठप हो चुकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अनलॉक के दोनों चरणों में कई सेवाओं पर से बंदी से हटाई गई। बिग ब्रेकिंग न्यूज, अनलॉक 3 में बंद रह सकते हैं स्कूल और मेट्रो। RBSE का 10वीं का परिणाम 29 तक संभव। अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के सभी संकायों के नतीजे घोषित करने के बाद अब 10वीं बोर्ड का परिणाम जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। राजकीय कन्या महाविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश आज से। 12 जुलाई DRJ का राजकीय कन्या महाविद्यालय में सत्र 2021-2022 के लिए वाणिज्य कला व विज्ञान संकाय के प्रथम वर्ष के प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया 28 जुलाई 2020 से प्रारंभ होगी। ग्राम पंचायत सहायकों को नहीं मिल रहा 4 महीने से मानदेय। आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। 200 प्राइवेट बीएड कॉलेज फीस जमा करवाने के लिए द्वितीय वर्ष विद्यार्थियों को 27,000 का दे रहे चालान। अभिभावक परेशान, कोरोना का काल में चिंता। कॉलेज शिक्षा निदेशक ने कहा सभी बीएड कॉलेज विद्यार्थियों से फीस वसूलने में सहानुभूति बरते। अभिभावक बोले इतनी बड़ी राशि एक मुफ्त कैसे जमा करवा पाएंगे। ऑनलाइन क्लासेज में छात्रों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं नोट्स। कुछ बीएड कॉलेज वसूल कर रहे हैं ज़्यादा फीस। श्रीगंगानगर UGC गाइडलाइंस और फाइनल ईयर परीक्षाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइंस और फाइनल ईयर परीक्षाओं को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कल इन द सेंस आज। कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए जस्टिस अशोक भूषण की पीठ मामले पर सुनवाई सोमवार को सुनवाई करेगी। देश भर के सभी विश्वविद्यालयों के करीब 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर UGC के द्वारा 6 जुलाई को जारी की गई रिवाइज्ड गाइडलाइंस को रद्द करने की मांग की है। TSP वरिष्ठता सूची करे जारी, सभी विभागों में पदोन्नति की मांग। बांसवाड़ा 12वीं पास युवाओं के लिए वनरक्षक बनने का अवसर। जयपुर सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक के 484 पदों पर भर्ती निकाली है। योग्यता 12वीं पास, एज 18 से 23। उम्मीदवार 4 सितंबर 2020 तक जो है आवेदन कर सकते हैं। कोरोना सबसे ज़्यादा नुकसान शिक्षा को। JE मेन व NDA साथ देनी है तो 31 जुलाई तक जानकारी दे स्टूडेंट्स। 12वीं के नंबरों के आधार पर इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा। जयपुर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर विज्ञापन प्रतिनियुक्ति आधार पर आवेदन आमंत्रित। कुक और टेलर सहित 4 पदों पर भर्ती के लिए करिए आवेदन। जयपुर हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड ने 124 दिनों के लिए अनुबंध अस्थायी आधार पर कुक और टेलर सहित कुल 4 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। SFB सरकारी स्कूल जयपुर मुरलीपुला स्कीम में स्थित शहीद हिम्मत सिंह राजकीय माध्यमिक विद्यालय मुरलीपुला स्कीम जयपुर का एक ऐसा सरकारी स्कूल है जो संस्था प्रधान सुवालाल शर्मा स्वयं की आय व भामाशाह के सहयोग से सभी भौतिक शैक्षिक व सह शैक्षिक सुविधाओं से सुसज्जित है। TSP अभ्यर्थी को जनरल से ज्यादा अंक लाना पड़ा भारी। गृह जिले से बाहर कर दी पोस्टिंग। जोधपुर सरकार अपनी गलती सुधारे। सालों बाद पूरी होगी पदोन्नति के आस। मेडिकल कॉलेज में अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों के लिए नए पद सृजित।
टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 से भारतीय सेना के टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC 132 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू होगी। शिक्षक भर्ती सेकंड मामला आवंटित स्थान पर ज्वाइनिंग का दबाव डालने अथवा रिलीव करने पर रोक, जोधपुर मंडल परिवर्तन को लेकर काउंसलिंग का मामला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखेंगे अब सरकारी विद्यालयों के छात्र, भरतपुर। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से युवाओं के लिए रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आरंभ किया गया है। प्रतापपुरा में जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री निःशुल्क बांटी, राजसमंद दलित व आदिवासी वर्ग में शैक्षिक उन्नयन का प्रयास। डॉक्टर BR अम्बेडकर शैक्षणिक फाउंडेशन की ओर से समीपवर्ती भावा ग्राम पंचायत के प्रतापपुरा में जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षक सामग्री का जो है निःशुल्क वितरण किया गया। ग्राम पंचायत सहायकों ने मानदेय भुगतान को लेकर भेजा ज्ञापन, लालसोट, भुगतान नहीं मिलने से परिवार पालना हुआ मुश्किल, 4 माह से अटका पड़ा है मानदेय। सातवें वेतन की मांग बीकानेर। सरकारी स्कूलों को मिलेंगे 9000 सेकंड ग्रेड टीचर, बीकानेर। प्रथम वर्ष में एडमिशन कल से शुरू, बीकानेर। यूपी में शिक्षकों और प्राचार्यों की बड़े पैमाने पर होगी भर्ती, प्रयागराज। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग UPSSC दो बड़ी भर्तियां की तैयारी में जुटा है। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालय प्राचार्य व असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर व्यापक पैमाने पर भर्ती होनी है। इनमें प्राचार्य के 290 व असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पद शामिल है। जूनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार। गेट 2021 की तारीख घोषित, 5 से 14 फरवरी तक परीक्षा, नई दिल्ली। मानकों में भी बदलाव, 36 साल में पहली बार बदलाव, मानविकी और पर्यावरण विषय भी जुड़े। DU में मेरिट आधारित कॉलेज में आवेदन की तारीख बढ़ी, 31 अगस्त तक भर सकते हैं फॉर्म। ICSE के छात्र आज से करें UG में पंजीकरण, मेरिट। 19,315 छात्र छात्राओं ने किए रविवार रात तक आवेदन, BA में 19,000 रजिस्ट्रेशन। CCSU कैंपस और संबंध कॉलेजों में स्नातक के 35 विषयों में इस साल 12वीं ICSE के पास होने वाले छात्र छात्राएं जो है आज से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मेरिट। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद रिक्त, जल्द करें आवेदन, बिहार लोक सेवा आयोग BPSC। JE मेन NDA और NA परीक्षा तारीख नहीं टकराएगी। NTA ने JE मेन ऑनलाइन आवेदन की विंडो 31 तक खोली, अपनी सुविधा से तारीख व शिफ्ट चुन सकेंगे छात्र, नई दिल्ली। 4 अक्टूबर से मिड सेमेस्टर परीक्षा, कानपुर। एकेडमिक कैलेंडर 10 से 17 अगस्त, BTech में दूसरे, तीसरे, चौथे, MTech, MS, MBA में दूसरे और PhD के दूसरे वर्ष के छात्रों का पंजीयन। 1 सितंबर से शुरू होगी ऑनलाइन पढ़ाई। शिक्षा परीक्षा के सामने कठिन प्रश्न। रोजगार कार्यालयों का कायाकल्प। रोजगार कार्यालय अनेक कारणों से अप्रासंगिक हो गए हैं, लेकिन कुछ राज्यों ने निजी साझेदारी के साथ मिलकर अच्छी पहल की है जिसे आगे बढ़ाया जा सके। रोजाना पहाड़ पर छिड़कर करता ऑनलाइन पढ़ाई, छात्र की मदद को वीरेंद्र सहवाग आगे। कोरोना वायरस महामारी ने पूरे देश को प्रभावित कर दिया है, इस महामारी से बचने के लिए लोगों को बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में लोग अपने सभी कामों को घर से ही कर रहे हैं। फर्जी डिग्री से शिक्षकों ने ली पदोन्नतियां, जोधपुर संभाग में 100 से ज्यादा पकड़ में आए मामले, सिरोही। अगस्त के बाद बढ़ सकते हैं बैंकों के NPA, RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में खुलासा, नई दिल्ली। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। उन कंपनियों और स्टार्टअप्स का भी बहुत बुरा हाल है जिन्होंने बैंक से काफ़ी ज़्यादा कर्ज लिया हुआ था। इसके अलावा हालात ऐसे हो गई हैं कि अब कर्जदारों के पास EMI तक चुकाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में चेताया गया है कि बैंकिंग सिस्टम के सामने एक बड़ा खतरा आ सकता है। RBI की ओर से जारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की माने तो बैंकों का NPA यानी गैर निष्पादित परिसंपत्ति चालू वित्त के अंत तक बढ़कर 12.5% हो सकता है। बैंकों का NPA मार्च 2020 में 8.5% था।
घूम गए इतिहास की जिद्दी सुइयां। राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश प्रारंभ सांचौर। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के दिशा निर्देश के अनुसार राजकीय महाविद्यालय सांचौर में 28 जुलाई 2020 से स्नातक प्रथम वर्ष कला के बारे में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। सुविचार, प्रतिभा में भगवान नहीं होते लेकिन माँ में भगवान होते हैं। 27 जुलाई 2020।